ओके सो हे गाइस बसो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को एक बैकग्राउंड दूंगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी को एडिटिंग कैसे करनी है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस रीटचिंग वगैरह सब कुछ देखना गाइस, क्योंकि गाइस रीटच मतलब रीटच वाला पार्ट ना कुछ लोग नहीं देखते हैं। एंड उसके बाद गाइस पीएनजी लगाने के बाद एडिटिंग तो कर लेते, फिर बाद में जब एडिटिंग करने के बाद कमेंट करते कि भाई हमारी तो वैसे फोटो एडिट नहीं हुई, तो इसलिए गाइस आप लोग रीटच वाला पार्ट भी देखा करो, तभी यार आपको पूरा समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में फोटो अपनी कैसे एडिट करनी है। ओके सो गाइस अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है कि गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहां से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस आपको जो फोटो को क्लिक इस टाइप में करवा लेना जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड बाकी जब एडिटिंग के टाइम तो आपको ऐसे ही कुछ रोटेट करके आप यहां पे ऐड कर लोगे इजीली, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ओपेसिटी यहां पे कम कर लेना अपनी फोटो का। देन गाइस यहां पे क्या करना है आप सभी को, फिर यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे डायरेक्शन में रखने अपनी फोटो को, ठीक है। जो मतलब कि जो लॉयन का जो फेस है उस डायरेक्शन में आपका हैंड होना चाहिए। फिर इसका इरेजर टूल में जाकर आपको हार्डनेस को फुल करके एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के एंड आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को सिंपली फोटो को नीचे का एरिया जो है उसको इरेज कर लेना है। मतलब कि गाइस आपको जो ये दिखाना है कि आपका जो मॉडल है ना लॉयन के उस पार बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ से इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर यहाँ पे इसको फटाफट कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। फिर आपको जो आगे का स्टेप है ना वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा, तो पहले मैं इसको फटाफट यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस जहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है अब आप सभी को सिंपली डन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको थोड़ी सी शेडो बनानी, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम एक ब्लैक कलर की पीएनजी। एंड गाइस इसको लेने के बाद आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में, ठीक है। आपको इस पीएनजी को लेने के बाद एंड इसको इन्वर्ट करना है, फिर आपको ब्रश लेना है, आपको यहाँ पे साइज को जो है कुछ इतना रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो को जूम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे पेंट करना है। तो गाइस ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि साइज़ छोटा है तो उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस तरीके से एक ड्रॉ करनी है लाइन। एंड उसके बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ओपेसिटी जो यहाँ पे मैनेज कर लेना है, ठीक है। अराउंड 50 तक कुछ रख लेना है, 60 तक रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे डन। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आपको एक वीकनेट का पीएनजी ऐड करना है, तो ऐसे में ऐड कर लेते हैं इसको। एंड उसके बाद आपको फिर ये करना, आपको इसके यहाँ पर ऐसे फुल स्क्रीन करना है, ये थोड़ा नीचे की तरफ चले जाएगा, फिर आपको उसको ऊपर की तरफ ऐसे ले आना है। ओके सो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड सेव करके इसको लेके चलना है स्लाइड रूम ऐप में, ठीक है, क्योंकि असली काम जो है ना हमारा अब स्टार्ट होता है गाइस। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लाने के बाद आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में। आपको इसके जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा गाइस आपको उसको थोड़ा इंक्रीज करना है। हाईलाइट जो दिख रहा है आपको उसको थोड़ा सा कम करना है। एंड जो शैडो है गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। फिर यहाँ पे व्हाइट मिलेगा आपको उसको थोड़ा कम करना है। जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ा देनी है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में। उसके बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये येलो कलर में जाना है। इसके बाद आपको उसका ह्यूज माइनस कर देना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आना आपको डार्क ब्लू में। आपको अगर आपकी शर्ट वर्ट का कलर अगर ब्लू हो तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे मतलब कि ब्लू कलर आ जाता है फोटो में तो यार सैचुरेशन कम कर लेना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। एंड उसके बाद आपको फोटो में विग्नेट डाल देना है, मतलब विग्नेट ज़्यादा मत डालना गाइस, हल्का सा डालना, मतलब कि पता भी नहीं चलना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है थोड़ा सा। एंड उसके नीचे वाले टूल में जाना, आपको यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। नीचे आपको नोड रिडक्शन मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।